हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोहिनूर चैनल्स में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं एक ख़ास डिश बताने जा रही हूँ, यूपी स्टाइल में घूघरी, जो नाश्ते में लोग खाते हैं बनाकर। ये देखिए, ये मैंने आलू लिए हुए हैं, 3-4 आलू लिए हैं। आप अपने उससे ले सकते हैं कि कितने मेंबर के हिसाब से ले सकते हैं। और 2-3 कप करीब मटर हैं, ये मटर आप फ्रेश भी ले सकते हैं और फ्रोज़न भी ले सकते हैं। तो पहले मैं ये आलू काट लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी रेसिपी कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा सामान तैयार कर लिया है। ये मटर और आलू हम लोगों ने अच्छे से धो के सुखा लिए हैं। और इसमें जो सामान डलने वाला है मैं आपको बताती हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी, ये चाट मसाला है, ये चाट मसाला है, ये जीरा है, और ये काली मिर्च है, ये थोड़ा गर्म मसाला है, और एंड में हम लोग धनिया डालेंगे। इसमें कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ये देखिए। इसके लिए आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, कोई भी जो आप खाते हैं। इसमें हम लोग बनाएंगे। मैं शुरू करती हूँ इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, करीब हम लोगों ने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है, ये गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें जीरा डाल देते हैं। जैसे ही जीरा थोड़ा ब्राउन होगा, हम लोग इसमें आलू डालेंगे, जो हम लोगों ने काट के धो के सुखाए हुए हैं। अभी आलू डाल देंगे हम लोग। इनको थोड़ा भूनेंगे हम लोग, करीब 3-4 मिनट तक इनको भूनेंगे। इसको करीब 2-3 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा मिर्ची का पेस्ट, जो मैं क्रश करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं काट के डालती हूँ मेरे बच्चे सारी मिर्चियाँ निकाल देते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं तो आप इसका पेस्ट बना के रख सकते हैं। और ये अगर सब्ज़ी में डालते हैं तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं ये करीब 1 चम्मच इसमें ऐड कर देती हूँ। बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करिए इसमें, सिर्फ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर नूडल्स में भी डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छी नूडल्स बनती है इससे। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।